लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा पूरा जोर लगाया जा रहा है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ है, इसलिए दोनों पार्टियों का नेता अपने उम्मीदवार जिताने के लिए काफी सख्त मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा हलका पटियाला से बीजेपी के इंचार्ज डीपी चंदन आज नाभा पहुंचे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि पटियाला लोकसभा हलके से अकाली दल बीजेपी के उम्मीदवार सुरजीत सिंह रखड़ा बड़ी लीड से विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा, पार्टी से किसी कारणवश नाराज चल रहे साथियों को मनाया जा चुका है। पंजाब सरकार ऊपर हमला करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने कर्जा माफ समेत कोई भी वादा पूरा नहीं किया, जिसका खामियाजा कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में मिलेगा। परंपरागत राजनीति तो हट के ऐसी राजनीति की मोदी जी ने, और लीक से हट के राजनीति का मतलब ये भी जिड़ियाँ वो समस्यावान बेसिक समस्यावान से उन्होंने चिंता करके उन्होंने हूँ जोड़ा फाउंडेशन बनाती है और ये बड़ी भव्य बिल्डिंग वो बेरोजगारी और सारिया जीडिया चिंतावान ने सारे समाधान जो आने वाले समय होएगा। देश 50 लाख नौजवान जो बेरोजगार होया, इसको सही मानते हो? देखो ये आंकड़े कितों आते तो पता होगा, लेकिन मुद्रा योजना के अधीन किन्ने स्वय रोजगार पैदा करने के जो दूजे भी रोजगार दे सकन वो वास्ते प्रयास किया गया और बड़ा सफल प्रयास। लोन कदों मिले? सारे सुनो ये बैकग्राउंड जाओ ना, कितों लोन मिले, कदों मिले और कि लोगों के कहते मिले, वो ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ना 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 जी जी जिन्हों की गल कर रहे हो ना, इन्हों पिछले ये समझ ला के असी ग्लोबल जी ट्रेड है वह हिस्सा बन गए और असी देश की आर्थिकता अपना योगदान जो पाने तैयार बैठे हैं और उन्होंने योगता जी योगदान है उस देश की जी है एक्सचैकर जो बढ़ रहा है और वो आपने आप जो मेन स्ट्रीम जा रहे हैं और इस गल तो खुश हैं। आप ही गवाह हो कि किनिया को चीज़ा उन्होंने लागू कर सके, एक भी चीज़ जी है इन्होंने वादा जोड़ा किया लागू नहीं होया पंजाब के अंदर और लोगों के अंडरकरंट बहुत है, लोग बहुत खिलाफ ने। केवल असं कार्यकर्ता निलंबित करके इलैक्शन चला के ये इलैक्शन जो बड़ी वधिया लीड में जितने जा रहे हैं तुम्हें यह दस दें कर्जा माफ़ी तो लोग किसान खुश होंगे, बल्कि सेंटर ने मोदी जी ने 1.5 गुना जो लागत मुल से देने की कोशिश की है और जो स्वामीनाथन कमीशन है उसकी जो सिफारिशों को लागू करने की कोशिश की है, मोदी जी का विश्वास इस वे जो किसान कर रहे हैं। पंजाब इस टाइम भी वर्दियां वंडियां जा रही ने, की कहोगे इस पर? सामने तुम अखबारों पढ़िया वो भी आ गया घोटाला आ गया वर्दियों का, हर थान पर घोटाला, जो भी कांग्रेस आई है यदा दूजा नाम घोटाला। बीजेपी के सीनियर नेता जोगेश खत्री का कहना है कि देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में अकाली दल और बीजेपी द्वारा की जाएगी सख्त मेहनत से पंजाब के लोग उनके उम्मीदवारों में विश्वास करेंगे। कि जड़ा ए वाला चुनाव होगा वो एक तुहाडे सामने एक बड़े हैरानीजनक नतीजे लेके आऊगा और इतिहास पलटेगा। जिस तरह पिछली बारी डॉक्टर गांधी इत्थों जित के गए ने, मैं समझदा सुरजीत सिंह रखड़ा जो कि एक बहुत ही बेदाग शख्सियत है और साफ सुथरी शख्सियत के मालिक ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी और साढ़े अन्य संगठन भी उन्होंने नाल लगे हुए हैं, पूरे तह दिलों हरेक वर्कर हरेक बूथ उन्होंने लग्या हुआ और अकाली दल की जित जी है पटियाला लोग सभा हल्के तो निश्चित है। शहरी वोटर काफ़ी तौर पर बीजेपी से काफ़ी रुझान दिखा रहे हैं मोदी? बिल्कुल जी, मोदी साहब ने जो योजनावान लागू कीतिया ने उसनों देखते हुए, चाहे वह गरीब तबका है या मध्यम वर्ग तबका है या अमीर तबका है, एक सोशल सिक्योरिटी आप अपने आप से महसूस कर रहे हैं मोदी जी के चेहरे को लेकर। मैं समझना कि असी 100% पूरे भारत के जो आंकड़ा असी दिता है भारतीय जनता पार्टी ने वो असी पार करांगे और दोबारा तो सेंटर के एनडीए की सरकार बनावांगे। नाभा से तरुण मेहता की रिपोर्ट।